हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ अ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ये लॉ क्या है हम लोग पहले देख लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। अब क्वेश्चन इज दैट कि उसको याद कैसे रखें, तो पहले तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है पता है, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये याद रखने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन के फॉर्म में देंगे कि आपको यही प्रूफ करना है। मे बी इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आपको ऐसा बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को प्रूफ करो, तो हमें एटलीस्ट ये फॉर्म पता होना चाहिए, तो आगे हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को क्या लिख लेना है, तो कि ए बी और सी लिख लेना है। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड के लिए है ए बी एंड सी। क्लियर? फर्स्ट वन क्या है हमारा, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। क्लियर? इट मीन्स कि पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन, तो ए और बी के बीच में रखेंगे यूनियन और बी और सी के बीच में रखेंगे इंटरसेक्शन और इन दोनों का ब्रैकेट। क्लियर? ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड कैसे करेंगे, तो कि ए यूनियन को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करो और सी के साथ, यानी कि ब्रैकेट ओपन करना है सिंपली, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा कि ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। क्लियर? बीच में साइन यहाँ पे आप देख सकते हो किसका, इंटरसेक्शन का, तो यहाँ पे भी साइन किसका लगेगा, इंटरसेक्शन का। अगर आप ये मेथड से याद करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ये इजीली रिमेंबर रह जाएगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इन इलस्ट्रेशन नंबर 6 वी हैव ए 3 सेट ए बी एंड सी। इन सेट है वी हैव 1 2 3 4 फॉर बी, 3 4 5 एंड फॉर सी वी हैव 1 3 एंड 5। हमें वेरीफाई करना है ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाला प्रॉपर्टी। क्लियर? इट मीन्स कि हमारे पास नंबर है तो ईजिली हो ही जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले जिस जिसका भी वैल्यू है ना वो लिख देते हैं। तो पहले ए का लिखते हैं, ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 2 3 एंड 4 यूनियन। बी यूनियन सी का वैल्यू, इट मीन्स कि बी और सी के सारे एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन, बी और सी के सारे एलिमेंट देखो तो कितने कितने आएंगे कि 1 3 4 एंड 5, 1 3 4 एंड 5। क्लियर? इज इक्वल टू, फिर हमें लेना है ए यूनियन बी को, ए के और बी के सारे एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन, यानी कि कितना होगा, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? इंटरसेक्ट ए यूनियन सी, इट मीन्स कि ए और सी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब विदाउट रिपीटेशन, कितने होने वाले, तो कि 1 2 3 4 एंड 5, इट मीन्स कि 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? अब देखते हैं इन सब का यूनियन फाइंड करते हैं। यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। इट मीन्स कि सारे एलिमेंट विदाउट रिपीटेशन, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1 2 3 4 एंड 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, सेम सेम एलिमेंट कंसिडर करना है, और यहाँ पे देख सकते हो कि सारा एलिमेंट कैसा है, सेम। इट मीन्स कि ये भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। आप देख सकते हो कि हमारा LHS और RHS कैसा हो रहा है, इक्वल हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन है, हमें यही कंडीशन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाला विद द हेल्प ऑफ अ वैन डायग्राम हम लोगों को प्रूव करना है। तो हमारे पास पहले तो 3-3 इवेंट्स के हम लोगों ने ये सर्कल बना लिए, वैन डायग्राम बना लिए। अब हम लोग एरिया कंसिडर करते हैं, तो फर्स्ट वन हमें क्या कंसिडर करना है, तो कि ए, तो ए का मतलब क्या होगा, ए वाला जो पूरा सर्कल है वो ना, इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, ए। अब हमें क्या कंसिडर करना है, तो कि बी इंटरसेक्ट सी, इट मीन्स कि बी और सी के बीच का जो कॉमन एरिया है वो, बी और सी के बीच का कॉमन एरिया है वो, इट मीन्स, और उन दोनों का भी हमें क्या करना है, यूनियन। इट मीन्स कि जो टोटल शेडेड एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा। क्लियर? सेम एज इट इज राइट हैंड साइड के लिए करते हैं, तो कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब गाइस क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स। क्लियर? तो ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे ये हो जाएंगे, ए और बी का एरिया। क्लियर? नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, तो कि ए और सी का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। इट मीन्स ए और सी के अंदर जितने भी वैल्यूज है वो, तो ये हो जाएगा ए का पूरा सर्कल और सी का पूरा सर्कल विदाउट रिपीटेशन। क्लियर? ये हो गया हमारा ए और बी का, ए और सी का यूनियन। क्लियर? अब हमें इन दोनों का कंसिडर क्या करना है, इंटरसेक्शन, यानी कि ए और ये ग्रीन लाइन और ये पर्पल लाइन में दोनों में से जो सेम सेम लाइन जहाँ पे आती हो वो हमें कंसिडर करना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा दोनों लाइन जाता हो वैसा एरिया कितना है, तो कि ये ए का पूरा एरिया और ये इतना एरिया। इट मीन्स कि आप देख सकते हो कि यहाँ का जो एरिया है
और यहाँ पे जो दोनों कंसिडर होता है इंटरसेक्शन, वो दोनों एरिया हमारे कैसे है, सेम टू सेम है। इट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ अ वेन डायग्राम वी कैन वेरीफाई कि हमारा जो LHS है और RHS है उन दोनों का एरिया कैसा होता है, सेम है। क्लियर। नेक्स्ट में हम लोग यही जो हमारा है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वो थियोरम हमें प्रूव करना है। सेम एज इट इज गाइस, जब भी आप कोई थियोरम प्रूव करते हो तो हमें यही दिखाना है कि अगर आप ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है तो आंसर क्या होता है, ए इक्वल टू बी। इट मीन्स कि हम लोग इन दोनों को एक दूसरे के सबसेट बना देते हैं, यानी कि ये LHS और ये RHS इन दोनों को एक दूसरे के सबसेट बना देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ये दोनों कंडीशन क्या है कि LHS जो है RHS का सबसेट है, RHS जो है LHS का सबसेट है। क्लियर। तो फर्स्ट वन हम लोग कंडीशन प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी। गाइज यहाँ पे हमें ये खास ध्यान रखना है कि यूनियन का मतलब होगा और, इंटरसेक्शन का मतलब होगा एंड। क्लियर। अब देखते हैं कि हम लोग सपोज करते हैं कि एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी। इट मीन्स कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी। क्लियर। सेम एज इट इज, जैसे आगे के थियोरम्स में हम लोगों ने किया था, हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स बिलोंग्स टू को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन की जगह पे गाइस क्या आ जाएगा, और एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्ट सी। अब क्या करेंगे, ये ब्रेकेट को भी ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्ट की जगह पे आएगा गाइस एंड, एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब क्लियर गाइस। अब यहाँ पे देख सकते हो कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। इट मीन्स और का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल। अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो दोनों में से कोई भी चलेगा। एंड का मतलब क्या होता है कि कंपलसरी इन दोनों को लेना ही है। क्लियर। इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि x बिलोंग्स टू a और b एंड c दिया है। इट मीन्स कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b है तो भी चलेगा, x belongs to a और x belongs to c है तो भी चलेगा। इट मीन्स कि a और b भी चलेगा एंड a और c भी चलेगा। क्लियर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x belongs to a और x belongs to b, बीच में साइन जो एंड का है वो एज इट इज, और क्या हो जाएगा कि x belongs to a और x belongs to c। क्लियर। अब इन दोनों में से x belongs to को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा कि x belongs to ए और है, और की जगह पे क्या साइन होगा, यूनियन, और बी हमारा एज इट इज। क्लियर। एंड है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। अगेन यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, ए और की जगह पे यूनियन और सी। क्लियर। अब इन दोनों में से अगेन हम लोग एक्स बिलोंग्स टू कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। आप देख सकते हो कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन पुट किया था और हमें ये आंसर मिल गया। क्लियर। इट मीन्स कि फर्स्ट वन तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब सेकेंड वन कंडीशन लेते हैं। हमारा सेकेंड वन कंडीशन क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी है तो उसका आंसर ऐसा होना चाहिए। क्लियर। अब ट्राई करते हैं। सेम इज इट इज कि वाई जो है वो कोई एनी एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी है। क्लियर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वाई बिलोंग्स टू A union B intersect A union C। clear? Same as it is, अब y belongs to सबके साथ multiply करेंगे क्या हो जाएगा, y belongs to A union B and intersect की जगह पे and y belongs to A union C। clear? अब ये y belongs to है इन दोनों के साथ भी multiply होगा और ये y belongs to इन दोनों के साथ भी, यानी कि bracket open करते तो क्या हो जाएगा, y belongs to A यूनियन की जगह पे हम लोग रख रहे हैं और y belongs to b। क्लियर। एंड एज इट इज यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि y belongs to a यूनियन की जगह पे और y belongs to c। क्लियर गाइज। अब ये आप देख सकते हो कि a के साथ b है तो भी चलेगा एंड a के साथ c है तो भी चलेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि y belongs to a और को कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा कि y belongs to a और, तो ब्रेकेट में सिर्फ यहाँ पे कितना बचेगा, इतना तो कॉमन निकाल लिया। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या बचेगा, y belongs to b
बीच में एंड एज इट इज, और यहाँ पे से इतना बचेगा कि वाई बिलोंग्स टू सी, क्लियर, सेम एज इट इज. सब में से अब वाई बिलोंग्स टू कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू ए, और की जगह पे रख देते हैं यूनियन, यहाँ पे वाई बिलोंग्स टू तो चला गया तो बी, एंड की जगह पे रख देते इंटरसेक्शन और सी एज इट इज. क्लियर गाइज, आप देख सकते हैं कि ये हमें मिला हमारा इक्वेशन नंबर टू. हम लोगों ने ये क्वेश्चन पुट किया था और ये आंसर हम लोगों को मिल चुका है. इट मीन्स कि फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन एंड टू हम लोगों ने प्रूफ किया कि हमारा LHS इज इक्वल टू क्या होता है, RHS होता है. क्लियर.